बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। खैरियत के साथ, इस उम्मीद के साथ आज का हमारा टॉपिक है जो ऑयल पंप गरारी होती है, अगर वो टूट जाए तो उसको किस तरह से आप न्यू डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑयल पंप गरारी टूट चुकी है, ये अंदर से ऐसे टूट गई है। तो हम न्यू ऑयल पंप गरारी डालेंगे, जो कि ये हमारे पास ऑयल पंप गरारी मौजूद है। इस ऑयल पंप गरारी को डालने का तरीका आप ये आपने सबसे पहले इसको खोलना है, इसकी उल्टी चूड़ी होती है। तो ये खोलने के बाद ये ऑयल पंप राड है, इस ऑयल पंप राड के ऊपर ये जो हमने इसके अंदर से ये खोली है डबल, इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए जी, ये चढ़ चुकी है। दोस्तों यार, वीडियो को आप लाइक बहुत कम करते हो, लाइक तो कर दिया करो कम से कम। ये देखिए जी, ये ऐसे आप लगाएंगे तो ये लगेगी नहीं, इसको पहले आपने अंदर डालना है। इसको अंदर डालने के बाद ये इस राड को ऐसे रख के, तो ये ऑयल पंप की गरारी जो होती है उसको आपने टाइट करते जाना है। इसकी उल्टी चूड़ी होती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये था ऑयल पंप को गरारी को लगाने का तरीका, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये बहुत इजी लग जाती है, आपने इसी तरह लगानी जिस तरह मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। दोस्तों ये कट में आपने ऐसे पेचकस लगा के तो इसको कर देना है टाइट। ये देख सकते हैं ये टाइट हो गई है। अब जब टाइमिंग चैन इसके ऊपर चलेगी तो ये और टाइट हो जाएगी। तो इसके बाद ये आप खोलना चाहें तो ये यहाँ इसके दो नट लगते हैं, ये खोल सकते हैं, और इसको इस तरह बाहर खींच के तो इस तरह ही आप इसको फिट करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।